हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को और एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल फोन में एक साथ 6 अलग अलग व्हाट्सएप अकाउंट को यूज कर पाएंगे, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के, ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग व्हाट्सएप अकाउंट को एक ही मोबाइल पे यूज कर सको। तो फिर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना। तो दोस्तों, एक मोबाइल फोन पे एक साथ 6 अलग अलग व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करने के लिए आपको 6 अलग अलग मोबाइल नंबर चाहिए होगा। अगर आपके पास 4 मोबाइल नंबर है तो आप सिर्फ 4 अकाउंट को यूज कर पाएंगे, मतलब इस तरीके से आप मैक्सिमम 6 अकाउंट तक यूज कर पाएंगे, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। तो इसके लिए, मतलब ये प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, इसके लिए मैं अपने दूसरे यहाँ पे जो मोबाइल है इसमें मैं व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, मेरा ऑलरेडी एक व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पे ओपन हो पड़ा है जो कि मैं यूज करता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए, हम जो अकाउंट पहले से यूज कर रहे हैं इसका एक प्रोफाइल आ चुका है और इसके साथ में देखिए एक रिवार्ड कोड का सिंबल है, इसमें हमें क्लिक नहीं करना है। उसके बाद इसके साइड में देखिए जो एरो सिंबल है ना, इसमें हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे देखिए एक इंटरफेस आ चुका है जो हम पहले से यूज़ करते हैं, उसका यहाँ पे डिटेल्स आ चुका है। और साथ में नीचे की तरफ देखिए ऐड अकाउंट करके और एक ऑप्शन आ चुका है। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे ना, ये हम जैसे नया व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट करते हैं उस तरीके का एक इंटरफेस दे देगा। हमें सिंपली यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें दूसरा एक मोबाइल नंबर से नया अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। तो मैं अपने हिसाब से मैं अपना एक दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के दूसरा एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। आप भी सेम तरीके से अलग अलग मोबाइल नंबर से ऐसे करते रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपना ये जो नया मोबाइल नंबर से नया अकाउंट क्रिएट करूंगा, उसके बाद यहाँ पे मेरा 2 अकाउंट हो जाएगा। थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पे देखिए कुछ कनेक्टिंग हो रहा है। और इज दिस नंबर करेक्ट, यस मैं दे दूंगा। उसके बाद मेरे यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली वेरीफाई मिस्ड कॉल नहीं चाहिए, हमें मैसेज सेंड करना है। तो मैसेज सेंड करने के लिए मैंने बोला है, देखते हैं कोड आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मेरा कोड यहाँ पे शायद सेंड कर दिया है, सेंड हो चुका है। देखिए ये मेरा जो मोबाइल नंबर है ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर चुका है। अब देखिए मेरा एक यहाँ पे नया अकाउंट ओपन हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, नो बैकअप नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपना कुछ नाम दे देता हूँ, मिस्टर शेन यहाँ पे मैं लिख के दे देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे नाम प्रोफाइल वगैरह चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वीडियो अगर ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए शॉर्टकट में इसको क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ पे देखिए मेरा दूसरा जो अकाउंट है यह यहाँ पे देखिए क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे देखो कोई भी, ये देखिए अपडेट वगैरह जितना भी कॉल्स वगैरह पे कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने ये इस नंबर से नया अकाउंट अभी क्रिएट किया है और इसमें कोई चैटिंग वगैरह भी नहीं है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ मैसेज सेंड कर देता हूँ मेरे दूसरे नंबर पे, यानी इस मोबाइल पे जो दूसरा अकाउंट है उसमें मैं एक मैसेज सेंड कर देता हूँ। लिखता हूँ कि है हे, लिख के मैं जैसे सेंड करूंगा ये देखिए सेंड हो चुका है, यानी इस व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे जो दूसरा अकाउंट है मेरा उसमें ये मैसेज सेंड हो चुका है। अभी मैं इसको बैक कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरा एक चैटिंग शो हो गया है। अब देखिए मैं 2 अकाउंट को एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करूँगा। यहाँ पे देखिए मैं जैसे 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, स्विच अकाउंट पे क्लिक करूँगा और इस तरीके से देखिए मैं एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन में 2 अलग अलग अकाउंट को मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे दूसरे नंबर की तरफ से यहाँ पे मैसेज आ चुका है। यहाँ पे मैं रिप्लाई भी दे देता हूँ, हेलो लिख के मैं सेंड कर दूंगा। तो ये मेरा नया जो अकाउंट मैंने क्रिएट किया है उसमें चला जाएगा, ये देखिए। तो ऐसे करके आप क्या कर पाएंगे, एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन में 2 अलग अलग अकाउंट को यूज़ कर ले पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा आ चुका है, यहाँ पे देखो दूसरा जो अकाउंट है ये दोबारा ओपन हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन में 2 अलग अलग नंबर से 2 अलग अलग अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, स्विच अकाउंट करके दूसरे अकाउंट में शिफ्ट होते जाएंगे अपने हिसाब से। यहाँ पे देखिए मैं फिर से दूसरे अकाउंट पे चला जाऊंगा ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके आप एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन में 2 अलग अलग मोबाइल नंबर से 2 अलग अलग अकाउंट को यूज़ कर पाएंगे। तो अभी हो चुका है, देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग अकाउंट हो चुका है। और अगर हमारे पास 3 अलग अलग व्हाट्सएप एप्लीकेशन हो जाएगा तो हम एक एप्लीकेशन में 2 अकाउंट करके 3 एप्लीकेशन में से टोटल 6 अकाउंट को इस तरीके से चला पाएंगे अपने हिसाब से। इसके लिए आपको 6 अलग अलग मोबाइल नंबर चाहिए होगा, नहीं तो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे केस पे मैं दोबारा यहाँ पे चला जाऊँगा। यहाँ पे देखिए मेरे केस पे, यहाँ पे आप देखो 3 अलग अलग मेरे केस पे, यहाँ पे 3 अलग अलग व्हाट्सएप अकाउंट मेरे मोबाइल पे डाउनलोडेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, यानी मेरे मोबाइल पे 3 अलग अलग व्हाट्सएप एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड कर रखा है, वो भी जेन्युइन तरीके से, जिसमें एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन में मैं 2 अकाउंट करके तीनों में मिलकर मैं 6 अकाउंट तक मैक्सिमम यूज़ कर सकता हूँ अपने हिसाब से, अगर मुझे ज़रूरत हो तो। अगर आप चाहो
कैसे आपको 6 अकाउंट यूज़ करना है। आप क्या करेंगे, एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन में 2 अकाउंट को यूज़ कर लेंगे, उसके बाद आपको 3 अलग अलग व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के, यानी आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। और इसलिए आप क्या करेंगे, यानी 3 व्हाट्सएप एप्लीकेशन बिना किसी थर्ड पार्टी के आपको डाउनलोड करने के लिए आप आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक मैंने डालूंगा उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया है कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन पे बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के 3 अलग अलग व्हाट्सएप अकाउंट को डाउनलोड कर सकते हो, यानी व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और उन सब व्हाट्सएप एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन में 2 अकाउंट करके आप मैक्सिमम 6 अकाउंट तक यूज़ कर पाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन में, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो।